हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, हम पढ़ रहे थे स्कॉर्पियन के बारे में। स्कॉर्पियन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? स्कॉर्पियन के जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उनके बारे में पढ़ लिया था, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ लिया था, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के अंदर उत्सर्जी तंत्र होता है वो, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, उत्सर्जी तंत्र के रूप में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर देखो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में स्कॉर्पियन के अंदर देखो, सबसे पहले मैलपिगेंट ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं, कोक्जल ग्लैंड होती हैं, हिपेटोपैनक्रियाज होता है, और नेफ्रोसाइट्स होती हैं। ये चारों संरचनाएँ होती हैं, ये चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करती हैं स्कॉर्पियन के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये जो स्कॉर्पियो है, ये जो इसके बारे में पढ़ेंगे मैलपिगिन ट्यूबुल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैलपिगिन ट्यूबुल्स के बारे में। जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स है वो देखो, जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स है वो कितनी संख्या में, एक से दो जोड़ी पाई जाती है, वन से टू पेयर ये पाई जाती है। और ये देखो कहाँ पाई जाती है, जो इसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के जो जंक्शन वाला भाग है वहाँ पे क्या होती है, एक से दो जोड़ी मैलपिगिन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। देखो, ये तो क्या है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये क्या है, पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और ये क्या है, पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। जहाँ पे प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, जहाँ पे दोनों मिलती हैं, इनका जो जंक्शन वाला भाग है, ये वाला भाग, वहाँ पे एक से दो जोड़ी मैलपिगिन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक से दो जोड़ी ये मैलपिगिन ट्यूबुल्स है, ये पाई जाती है इसके अंदर, है ना। प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के जो जंक्शन वाला भाग है वहाँ पे एक से दो जोड़ी मैलपिगिन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब देखो, ये जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स हैं ये क्या है, एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होती हैं। ये एंडोडर्म से, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्म से होती है ना, एंडोडर्मल स्ट्रक्चर होती हैं, और ये संख्या में एक से दो पाई जाती हैं। और प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन का वो जंक्शन वाला भाग है, वहाँ पे ये एक से दो जोड़ी संख्या में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो, ये जो इंटेस्टाइन है, ये जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स है, इसमें जो देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यो सब जो इसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है स्कॉर्पियन का, वो क्या है, गुआनिन। जो मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गुआनिन है, और ये कुछ मात्रा में यूरिक एसिड का भी उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इसका जो मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो तो गुआनिन है, और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड के रूप में भी, इसका यूरिक एसिड के रूप में भी ये उत्सर्जन करता है वेस्ट मटेरियल का। जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसके, तो देखो यहाँ पे ये जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स हैं, ये मैलपिगिन इसका TS लेते हैं, ये इतना वाला भाग है, इसकी TS लेते हैं, और TS लेते हैं तो देखो ये ऐसा दिखाई देता है, इसकी TS में ये ऐसा दिखता है, TS ऑफ मैलपिगिन ट्यूबुल्स। इसमें देखो बाहर की साइड में क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद में पेरिटोनियल सीट है, पेरिटोनियल सीट के बाद में स्ट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये बाहर की साइड में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, और ये बीच में क्या है, ये लुमन है। ये जो मैलपिगिन ट्यूबुल्स है इसकी ये लुमन है, जो बॉडी के विभिन्न भागों से जो ब्लड है वो कलेक्ट करता है, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, इसकी ये जो लुमन
ह्यूमन है यहाँ पे डालता है, जैसे ग्वानिन है, यूरिक एसिड है, ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ही इस जो मेल्पिगिन ट्यूबुल की जो ल्यूमन है इसके अंदर ये इसको कलेक्ट करता है। यहाँ से देखो ये जो मेल्पिगिन ट्यूबुल की जो ल्यूमन है यहाँ से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ पे आते हैं, जो इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन है यहाँ पे प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के जो जंक्शन वाला भाग है यहाँ पे इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन है इस मेल्पिगिन ल्यूमन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ पे आते हैं, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर आते हैं, इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर आते हैं। यहाँ से ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं यो फिशेस के साथ में बाहर बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो था मेल्पिगिन ट्यूबुल्स, मेल्पिगिन ट्यूबुल इस तरीके से ये मेल्पिगिन ट्यूबुल्स वर्क करती है। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ेंगे कोक्जल ग्लैंड के बारे में। सेकंड क्या अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोक्जल ग्लैंड। सेकंड है अपना कोक्जल ग्लैंड। अब देखो ये जो कोक्जल ग्लैंड है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। ये इस कोक्जल ग्लैंड जो स्कॉर्पियन है इसमें कहाँ पाई जाती है, देखो ये जो कोक्जल ग्लैंड का जो डायग्राम है, ये कोक्जल ग्लैंड है, ये कोक्जल ग्लैंड का डायग्राम है। इसके अंदर देखो ये जो कोक्जल ग्लैंड है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कहाँ सिचुएटेड होती है। कोक्जल ग्लैंड होती है वो स्कॉर्पियन की थ्री पैर ऑफ वॉकिंग लेग होती है, वहाँ पे ये सिचुएटेड होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थ्री पैर ऑफ वॉकिंग लेग के जो बेस वाला भाग है वहाँ पे ये इसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे होती है, थ्री पैर ऑफ वॉकिंग लेग में, है ना। अब देखो ये जो इसका जो पांचवा खंड होता है, पांचवा इसका जो सेगमेंट होता है उसकी सिलोमोडक्ट के द्वारा ये ड्राइव होती हैं। किसके द्वारा, सिलोमोडक्ट के द्वारा, सिलोमोडक्ट के द्वारा ये सिलोमोडक्ट से ये क्या होती हैं, डराई होती हैं, सिलोमोडक्ट से उत्पन्न होती हैं ये। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये सिलोमोडक्ट से, ये सिलोमोडक्ट से उत्पन्न होती हैं कोक्जल ग्लैंड। ठीक है, सिलोमोडक्ट से उत्पन्न होती हैं कोक्जल ग्लैंड। और अब देखो ये जो कोक्जल ग्लैंड है इसके अंदर ये कोक्जल ग्लैंड तीन भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है, तीन भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट है इसका एंड सैक, फर्स्ट वाले भाग को बोलते हैं एंड सैक, सेकेंड वाले भाग को बोलते हैं लैब्रियन, थर्ड वाले भाग को बोलते हैं ब्लैडर, थर्ड वाला भाग इसमें है ब्लैडर। अब ये देखो एंड सैक, एंड सैक होता है वो आगे से क्या है, आगे से ये जो ब्लाइंड होता है, मतलब आगे से एक बंद आकृति गुब्बारे बलून जैसी संरचनाएं होती है जो आगे से बंद होता है, पीछे से इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, लैब्रियंथ में होती है। लैब्रियंथ एक कॉइल्ड संरचना होती है, कुंडलीकार एक संरचना होती है, जो क्या कहाँ पे जो लैब्रियंथ है इसकी कहाँ पे टर्मिनेट होती है, कहाँ पे, ये ब्लैडर के अंदर टर्मिनेट होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो ब्लैडर के अंदर होती है। और देखो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो स्कॉर्पियन ब्लड में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं जो इसकी बॉडी के विभिन्न भागों से कलेक्ट किए होते हैं, वो जो एंड सैक होता है वो यहाँ पे उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है। और लैब्रियंथ भी वो इनको जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या, कलेक्ट करने का काम करता है। ये यहाँ से कलेक्ट होके ये कॉइल्ड संरचना जिसको लैब्रियंथ बोलते हैं, इसके थ्रू ये किस में ओपनिंग होती है, इसकी ब्लैडर में होती है। इस ब्लैडर में फिर ये बाहर पांचवें खंड में जो इसकी ओपनिंग होती है बाहर बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। इस तरीके से ये जो कोक्जल ग्लैंड होती है वो इस तरीके से काम करती है। और ये जो कोक्जल ग्लैंड होती है ये जो एडल्ट के अंदर तो क्या होती है, अडल्ट के अंदर तो एक पेयर पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी पाई जाती है अडल्ट के अंदर। ठीक है, इन अडल्ट वन पेयर इन अडल्ट। ठीक है, लेकिन पांच पेयर पाई जाती है किसके अंदर, जो इसकी इम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इम्ब्रियो होता है इसका, जो स्कॉर्पियो का जो इम्ब्रियो होता है, जो इम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये कोक्जल ग्लैंड पांच जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो अडल्ट होता है वन पेयर इन अडल्ट, जो एक जोड़ी किस में, जो अडल्ट एनिमल होता है उसके अंदर एक जोड़ी पाई जाती है कोक्जल ग्लैंड की, और जो पांच जोड़ी होता है वो इम्ब्रियो होता है इसका, उसके अंदर पांच जोड़ी कोक्जल ग्लैंड की पाई जाती है ना।
कोक्जियल ग्लैंड की पाई जाती है, और ये जो कोक्जियल ग्लैंड 3 भागों में डिवाइड होती है, एंड सैक, लेब्रियंथ और ब्लैडर। एंड सैक ये वाला गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो आगे से बंद आकर ब्लाइंड स्ट्रक्चर होती है जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों क्या कलेक्ट करती है, और लेब्रियंथ के थ्रू ब्लैडर में इसका ओपनिंग होती है और फिर ब्लैडर के थ्रू ये बाहर बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो कोक्जियल ग्लैंड हो गई अपनी। ठीक है, अब देखते हैं थ्री जो स्ट्रक्चर होती है, तीसरी जो संरचनाएं होती हैं एक्सक्रीटरी और ऑर्गन की, वो देखो क्या है, वो है इसका हिपेटोपैनक्रियाज। हिपेटोपैनक्रियाज अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो अपन ने हिपेटोपैनक्रियाज देखा था, जो इसका मिजोसोमा वाला भाग है। इसका जो प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के पूरे भाग को घेरे रखता है ये हिपेटोपैनक्रियाज, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करता है। लेकिन ये एक साइंटिस्ट था पावलोवस्की, ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया, इसने बताया कि ये जो हेपेटोपैनक्रियाज है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, कैसे करता है, इसने क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या था इसने एक्सपेरिमेंट में, जो पावलोव्स की जो साइंटिस्ट था, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो क्या किया था इसने, देखो अमोनिया कार्मिन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया, क्या अमोनिया कार्मिन। ये जो अमोनिया कार्मिन है हिपेटोपैनक्रियाज की जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या हो गया, रेड ग्रेन्यूल्स के रूप में ये उसकी बॉडी के अंदर एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया उसकी बॉडी के अंदर। इस तरीके से इसने ये मान लिया कि जो हिपेटोपैनक्रियाज होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी वर्क करता है। इस तरीके से ये हेपेटोपैनक्रियाज होता है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ है इसके अंदर नेफ्रोसाइट्स। क्या है फोर्थ है, नेफ्रोसाइट्स है। ये नेफ्रोसाइट्स कहाँ प्रजेंट होता है, ये जो नेफ्रोसाइट्स है इसकी जो मिजोजोमा वाला भाग है, इसकी जो बॉडी वाल है मिजोजोमा वाला भाग के अंदर, इसकी जो बॉडी वाल है बॉडी वाल के अंदर ये क्या पाए, बॉडी वाल के नीचे क्या प्रजेंट होते हैं, नेफ्रोसाइट्स प्रजेंट होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर पास आउट करते हैं, और ये जो फेगोसाइटिक के रूप में भी वर्क करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रोसाइट्स स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करती हैं। इस प्रकार अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट।